मैं डॉक्टर पंकज शर्मा आप सबको करोना नमस्कार करता हूँ और SIMI के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ल्ड की जो रेटिंग करोना की चल रही है उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रयास के द्वारा अभी हम बहुत नीचे पायदान पे हैं और हम चाहते हैं कि उस पायदान के ऊपर ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी संदर्भ के अंदर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अभी टेम्परेचर बहुत होता जा रहा है, बर्फ़ की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज की चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करें इस मौके के ऊपर, जितना दूर रहें ठंडी चीज़ों से उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अपने AC को भी टेम्परेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार अपने 25 से 27 के बीच के अंदर भी रखें, वहीं के आसपास टेम्परेचर रखें। ज़्यादा टेम्परेचर लो रखने से इसकी वायरस की फैलने की संभावना ज़्यादा होती है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे बार बार मोदी जी कह रहे हैं डिस्टेंस को कवर कीजिए, खाली लॉकडाउन कब तक हो सकता है, इसका कोई पीरियड तो होगा, लेकिन उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। हम जितना कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जनता कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा हूँ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। अभी हम होम्योपैथिकली आयुष मंत्रालय द्वारा जो मेडिसिन सजेस्ट की गई है इसको प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आर्सेनिक एल्बम 30, वो हम कम से कम 6-7 हज़ार लोगों को दे चुके हैं, कॉलेज की तरफ से भी, हमारी क्लिनिक की तरफ से भी, हसनपुरा इलाके के अंदर, पुलिस के अंदर और इधर उधर, हम सब जगह पर हम ये आर्सेनिक 30 घर घर जा करके, इतनी तेज़ धूप में भी मैं, मेरी पूरी टीम, मेरा स्टाफ, हमारे कॉलेज का स्टाफ जा करके इसको बांट रहे हैं, जिससे कि इस भयंकर आपदा से हम इम्यूनिटी बढ़ा करके निकल सके। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको पालन करें और मार्केट के अंदर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें।